नमस्ते, नेचर्स की यूट्यूब चैनल में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिलीवरी के पश्चात महिलाओं के शरीर में बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं, जिससे कभी कभी महिलाएं हताश हो जाती हैं, उदास रहने लगती हैं, यहाँ तक कि कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिसे कि पोस्ट पैटर्न डिप्रेशन कहा जाता है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। गर्भावस्था के दौरान पेट का साइज बढ़ जाता है, स्तन का साइज बढ़ जाता है, स्तन पर, पेट पर, जांघों पर अक्सर स्क्रैच मार्क्स आ जाते हैं। डिलीवरी के बाद पेट का साइज़ धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आपका पेट का साइज़ बढ़ता है, उस समय आपकी जो चमड़ी होती है वो पूरी तरह से फैल जाती है, चाहे वो स्तन की हो या आपके पूरे शरीर की ही चमड़ी थोड़ी थोड़ी फैल जाती है और शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। जब तक महिलाएं गर्भवती रहती हैं, तब तक उनका पूरा ध्यान अपनी डिलीवरी के ऊपर रहता है कि 9 महीने के बाद हमारी डिलीवरी होगी, और वो अपने बच्चे के पेट में रहते हुए सिर्फ उसका ग्रोथ अच्छा हो, उसका विकास अच्छा हो, इसके ऊपर उनका पूरा ध्यान केंद्रित होता है। और डिलीवरी के पश्चात जब डिलीवरी हो जाती है, तब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब तो डिलीवरी हो चुकी है, तो बहुत जल्द हम अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएंगे, यानी कि शरीर जिस तरह से पहले था उसी तरह से हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और हार्मोन में बदलाव होने की वजह से वे तनावग्रस्त रहने लगती हैं, कभी कभी उन्हें रोना आने लगता है, उदास रहने लगती हैं। शरीर में इस तरह के परिवर्तन और बच्चे की जिम्मेदारी, और फिर जो लोग आपके आसपास रहते हैं वो एक एक करके धीरे धीरे जाने लगते हैं, क्योंकि डिलीवरी होती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद 1 महीने के अंदर फिर धीरे धीरे सबका रूटीन अपने अपने हिसाब से हो जाता है, हस्बैंड भी अपने काम पर चले जाते हैं, घर के बाकी सदस्य भी अपने अपने काम में लग जाते हैं, और आपको बच्चा संभालना पड़ता है, बच्चे के साथ रहना पड़ता है। शरीर में आए बहुत से परिवर्तन की वजह से अक्सर महिलाएं डिप्रेशन में रहने लगती हैं। मैं यहाँ पर कुछ अपना एक्सपीरियंस बता दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो कुछ मेरे शरीर में परिवर्तन आया है वो इसी तरह से रहेगा, क्योंकि मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पीठ में थोड़ा दर्द होता था, उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे एक ट्यूब दिया था, उस ट्यूब को लगाने की वजह से मेरी पीठ में पपड़ी जैसा हो गया था, यानी वहाँ पर पूरा जो भाग है पीठ का वहाँ पर काला हो गया था। उतना तो मैं देख नहीं पाती थी, पर मालिश वाली बताती थी कि यहाँ पूरी तरह से काला हो चुका है। मेरी सिजरियन डिलीवरी थी तो पेट के ऊपर जो टाके आए थे, टाकों में कभी कभी हल्का हल्का दर्द होता था, उस पर बच्चे की जिम्मेदारी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब यही ज़िंदगी रह गई है, पहले के जैसा कुछ भी पुरानी स्थिति में हम नहीं लौटने वाले हैं, जैसा पहले उछल कूद करते थे या फिर जो कुछ भी हमारा रूटीन था वैसा फिर से नहीं होने वाला है। तो एक दिन मम्मी ने मुझे उदास बैठा हुआ देखा तो वो समझ गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि फिर से 6-7 महीने के अंदर तुम्हारा शरीर पुरानी स्थिति में हो जाएगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फिर भी मुझे उनकी बात पर शायद विश्वास नहीं हुआ, और मन में थोड़ी उदासी सी थी और रहती भी थी कि शायद अब ऐसे ही रहेगा। हालांकि मैं अपने बच्चे के साथ बहुत एंजॉय करती थी, तो इसलिए मैं उसी में खोई रहती थी और अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन धीरे धीरे जब वो 2-3 महीने का हो गया तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना भी शुरू कर दिया। तो जिनकी डिलीवरी हुई है वो एक बात अवश्य जान लें कि तनावग्रस्त ना रहें, शरीर की स्थिति, जो कुछ मैंने फेस किया है, जो कुछ मैंने महसूस किया है, मेरा बेटा तो 18-19 साल का हो चुका है, तो मैं यही बताऊंगी आपको कि जो शरीर की स्थिति होती है, पेट 1 महीने में थोड़ा ही आगे आता है, फिर 2 महीने में थोड़ा और आगे आता है, इस तरह से कर करके 9 महीने में पेट पूरा आगे आता है। ठीक उसी तरह से 7-8 महीने लगते हैं वो पुरानी स्थिति में जाने के लिए। जो स्तन होते हैं, स्तनों में एक स्तन छोटा एक स्तन बड़ा हर महिला का होता है, लेकिन ये कुंवारेपन से ही होता है, पर उस समय हमें पता नहीं चलता है ये अंतर, क्योंकि हम अपने स्तन पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं। स्नान करना, नहाना धोना, खाना पीना, कॉलेज जाना, जॉब पे जाना, जो कुछ भी हम करते हैं इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कब जाता है? जब स्तनों में दूध बनना शुरू होता है, तब हमारा ध्यान अपने स्तनों की तरफ ज़्यादा जाने लगता है, और उसी समय दूध उतरने की वजह से हमारे स्तन का साइज बड़ा और छोटा हमें पता चलने लगता है। उसके पहले हम उस चीज़ पर उतना नोटिस ही नहीं करते, इसलिए हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन ये साइंस प्रूव करता है कि एक स्तन छोटा और एक स्तन बड़ा होता ही है।
और ये जब बच्चा स्तनपान करना बंद करता है उसके 1 साल के बाद तक पुनः उसी स्थिति में हो जाता है जैसा कि आपका गर्भावस्था से पहले था। हार्मोन के बदलाव होने की वजह से डिप्रेशन, तनाव जैसा महसूस होता है। किसी किसी औरतों को रोना भी आता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। वैसे बच्चे को संभालना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। एक बच्चा संभालना एक जंग लड़ने जैसी ज़िंदगी हो जाती है क्योंकि उसके विषय में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। वह कब उठेगा, कब रोएगा, कब दूध मांगेगा, कब पॉटी करेगा, कब सुसु करेगा, हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। डिलीवरी के पश्चात जिनकी पहली डिलीवरी होती है अचानक से इतनी सारी जिम्मेदारी और अपने शरीर में आए इतने सारे परिवर्तन, इसी वजह से महिलाएं डिप्रेशन में जाती हैं। इससे निकलने के लिए अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तब तो वो आपको आसानी से समझा लेगा। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि महिलाओं को तनावग्रस्त होना पड़ता था क्योंकि लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। आपसे जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती थी बच्चे की सारी जिम्मेदारी वो संभाल लेती थी क्योंकि उन्हें वैसे भी इंतजार रहता था कि कोई छोटा बच्चा आए और हमारा टाइम पास हो। तो माँ की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती थी कि बच्चे को दूध पिलाएं या फिर उनकी पॉटी या सुसु हो तब वो ले जा करके माँ को दे देते। बाकी समय में बच्चे दादा दादी के पास रहते थे, नाना नानी के पास रहते थे, बुआ मौसी के पास रहते थे। तो जिम्मेदारी पूरी तरह से एक ही स्त्री के ऊपर नहीं आती थी और काम का प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो इसलिए महिलाएं उतना ज़्यादा तनावग्रस्त नहीं महसूस करती थी। घर में और लोग भी होते थे इसलिए वो थोड़ा प्रसन्नचित रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। खासतौर से जो महिलाएं अकेली रहती हैं, हस्बैंड के साथ रहती हैं, तो उन्हें और किसी का सहारा नहीं मिलता है। हस्बैंड भी काम पे चले जाते हैं और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। बच्चा कब उठ जाता है, रोने लगता है, तो आप अचानक से एकदम से घबरा जाती हैं, अरे उठ गया, मैं इसे कैसे चुप रहा हूँ। और अगर मान लीजिए बच्चे को कोई और ही तकलीफ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे दूध पिलाना है या इसने पोटी किया या पेट में दर्द हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तब इस समय बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो फेल हो गई, मुझे तो कुछ भी नहीं आता जाता है, अब बच्चे को कैसे संभाला जाएगा। बच्चे को संभालना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो ये मैं इस जिम्मेदारी में न पड़ती तो ज़्यादा बेहतर था। तो ऐसे बहुत से विचार उस समय दिमाग में आने लगते हैं। आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है। बस थोड़े से धैर्य और संयम की ज़रूरत होती है यहाँ पर इस डिप्रेशन से निकलने के लिए। सप्ताह में एक दिन आप कहीं बाहर घूम आइए। आप घर के बाहर निकल सकती हैं अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अकेली हैं तो। अगर ज्वाइंट फैमिली में हैं तो फिर आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम बाहर निकल जाइए। थोड़ी सी खुली फ्रेश हवा लेंगी तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जो ब्यूटी ट्रीटमेंट आप डिलीवरी से पहले या गर्भावस्था से पहले लेती थी उसे आप घर में भी ले सकती हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दिया हुआ है क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो काफ़ी हद तक वीडियो मैंने ब्यूटी से संबंधित अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उसे आप देख सकती हैं और घर पर स्वयं कर सकती हैं या ब्यूटिशियन घर पर बुला सकती हैं। अगर आपका चेहरा खिला खिला आपको दिखेगा तो मन अपने आप खुश रहेगा। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट अगर आप फ्रेश हवा ले लेती हैं, खास तौर से धूप, अगर सुबह की धूप आप ले सकती हैं क्योंकि धूप से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। शरीर पूरी तरह से डिलीवरी के पश्चात कमजोर हो जाता है इसलिए आप हेल्दी फूड खाएं। क्योंकि डिलीवरी के बाद 8-9 महीने बाद आप योगा करके अपने शरीर को फिर से पुरानी स्थिति में ले जा सकती हैं। इसलिए तुरंत आप किसी तरह का डाइट न लें। आपका बच्चा आपका स्तनपान कर रहा है तो आपके शरीर में पहले से जो कमजोरी आ गई हैवी ब्लीडिंग हुई है, उसकी रिकवरी करने के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी फूड खाएं, किसी तरह का डाइट न लें। इस डिप्रेशन तनाव को अपने पास ना आने दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत उदासी लग रही है, आपको रोना जैसा आ रहा है, तो आप 5-10 मिनट के लिए कहीं बाहर निकल जाइए या फिर आपकी मनपसंद अगर गाने हो, मूवी हो, तो आप उसे थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन उसमें ज़्यादा मत उलझिएगा क्योंकि अगर आप उसमें उलझ गई तो आप बच्चे का ध्यान नहीं दे पाएंगी, इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आपको अपने आप को संभालते हुए बच्चे को संभालना है, इसलिए डिप्रेशन अपने से दूर रखिए, तनाव से दूर रहिए। अगर आप डॉक्टर से सलाह लेने जाएंगी तो आपको डॉक्टर यही कहेंगी कि आप अपने आप को तनाव से मुक्त रखिए। पैसा तो आपको लेंगे लेकिन इतना ही सलाह देंगे कि आप डिप्रेशन से बाहर आइए, आप तनाव से मुक्त रहिए, थोड़ा हैप्पी रहिए, थोड़ी बाहर घूम आइए, ब्यूटी ट्रीटमेंट लीजिए। खासतौर से महिलाओं को ज़्यादा अच्छा लगता है उनकी खूबसूरती, और अगर खूबसूरती में फ़र्क पड़ जाती है तो घर के लोग भी थोड़ी सी उदासी दिखाते हैं। इसलिए ये एक चीज़ ज़रूर करिए कि आप ब्यूटी ट्रीटमेंट सबसे पहले ले लीजिए। डिलीवरी के पश्चात 45 दिन के बाद में अपने आप को जितना तरोताज़ा रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे वो मैंने पूरी तरह से इसमें कवर करने की कोशिश की है। बच्चे को संभालना एकाएक नहीं हो जाता है, धीरे धीरे ही हम समझ पाते हैं कि बच्चे को किस तरह से संभालना है, कब उसे किस चीज़ की आवश्यकता है।
ये हर कोई धीरे धीरे ही सीखता है, अचानक से किसी को भी नहीं समझ में आता है। जैसे बच्चा छोटा रहता है, जब वो पढ़ना शुरू करता है तो ए बी सी डी करके ही पढ़ता है, इसी तरह से ये भी हमारी ज़िंदगी की ए बी सी डी होती है। डिलीवरी के पश्चात बच्चे को समझना, उसको समझ करके उसकी अच्छी परवरिश करना, ये भी इसी तरह से रहता है जैसे कि बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है, इससे आप तनाव से मुक्त रहेंगी, डिप्रेशन से दूर रहें, खुश रहेंगी और अपने बच्चे के साथ उसके बचपन का ये जो सफ़र है आनंदमय तरीके से बिताएंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।